आया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ छठवीं बार वापस कर रही है। ये पिछली बार के ट्रेंड से बिल्कुल अलग है। पिछली बार के ट्रेंड्स ये रहे कि भाजपा सत्ता में तो आती थी पर पहले के मुकाबले कुछ कम सीटों के साथ में आती थी। केवल 2007 में ऐसा हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी। नरेंद्र मोदी का चमत्कारिक नेतृत्व रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी सीटों की दृष्टि से कुछ ना कुछ नुकसान उठाती थी, पर 2012 के मुकाबले 2017 में तो भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ था। तकरीबन उसकी 16 सीटें घट गई थी, पर इस बार उस सब की भरपाई होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले तकरीबन 35 सीट ज़्यादा, अर्थात पिछली बार 99 तो इस बार 134 सीटों को जीतने जा रही है। वहीं हिमाचल के संदर्भ में कांग्रेस पूरी नहीं समा रही थी कि एक राज्य तो ऐसा है जो अपने पास आना ही है। क्यों आना है? इसलिए आना है कि वहां पे ऐसा रिवाज रहा है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, पिछली बार भाजपा आ चुकी है तो इस बार कांग्रेस को आना ही है। कांग्रेस काफी यूनाइटेड होकर भी लड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल को बचा पाने में मामूली अंतर से कामयाब रह रही है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। सारी एजेंसी एक साथ इस बात की पुष्टि कर रही है कि हिमाचल में भाजपा जैसे तैसे सरकार बचा ली जाएगी। कांग्रेस पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन तो करेगी पर वह प्रदर्शन ऐसा नहीं होगा जिसमें उसकी सरकार बन जाए, तो कांग्रेस के लिए भी निराशा। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात आ रही है दिल्ली नगर निगम चुनाव के संदर्भ में। दिल्ली नगर निगम पहले 3 हिस्सों में था, अभी कुछ समय पहले उसको वापस 1 कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी तीनों जगह काबिज थी। पिछली बार की दृष्टि से अगर बात करें तो 250 वार्ड होते हैं दिल्ली में, उस 250 वार्ड में 181 पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी, एक तरफा थी, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली नगर निगम पे पहली बार काबिज होने जा रही है, ऐसा एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं। तो अपने आप में आंकड़े जो दर्शा रहे हैं वो भाजपा के लिए प्रसन्नता का कारण है, आम आदमी पार्टी के लिए प्रसन्नता का कारण है, पर देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सिवाय विलाप सिवाय मातम के और कुछ नहीं है। तो क्या कुछ इसके मायने हैं, क्यों इस प्रकार के रुझान हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता रजनीश अग्रवाल जी खासतौर पर जुड़े हुए हैं, वह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार जो इस समय अमेरिका में हैं, इतने विपरीत समय के बीच में भी खासतौर पर इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सबके बेहद सम्मान्य श्रवण गर्ग जी भी जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत श्रवण जी से ही करते हैं। श्रवण जी, एग्जिट पोल के संदर्भ में रुझान है जो मैंने साझा किए, सभी एक तरफा, गुजरात में भाजपा की प्रचंड वापसी, हिमाचल में जैसे तैसे सत्ता में वापसी और दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा की विदाई और आम आदमी पार्टी का आगमन, इस रुझान के साथ है, आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं सबसे ज्यादा चिंतित तो या चमत्कृत तो गुजरात के रुझानों से हूं जी। ये इस तरह की अगर चीज हो रही है वहां, आप जैसा बता रहे हैं कि 128 से 140 जी, तो ये काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये न सिर्फ पुराने जितने अनुमान हैं, मतलब पिछले 20 सालों से जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं जी, उसमें एक डेंट लगाते हैं, क्योंकि पिछली बार भी 99 सीटें मिली थी, इस बार आप उसको 140 तक, 128 से 140 तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के होने के बावजूद अगर ये चीज मिल रही है तो मैं इसको और ज्यादा बड़ी चीज मानता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए काफी, मतलब इतने चुनावी अनुभवों के बाद, इतने एग्जिट पोल देखने के बाद, ये इस तरह की घटना का होना और इतनी बात होने के बावजूद कि एंटी इनकम्बेंसी वहां बहुत जबरदस्त गुजरात में रही है, अभी भी है, तो इसका क्या कारण होना चाहिए? इसका मेरी समझ में कोई इस तरह का कारण मैं स्पष्ट तौर पे देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर पूरे देश के संदर्भ में इन चीजों को देखूं तो मुझे ये गुजरात का कुछ अनूठा एग्जिट पोल नजर आ रहा है, क्या ऐसा है? मैं अजय उपाध्याय जी के पास जाऊं, उससे पहले श्रवण जी, कांग्रेस को लेकर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी
भविष्य को लेकर उम्मीद बांधी हुई थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, वो भारत जोड़ो यात्रा आधे से ज्यादा सफर तय कर चुकी है और कांग्रेस उतनी ही ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। उस यात्रा को लेकर आप भी बड़ी उम्मीद के साथ देखते रहे हैं, क्या कहते हैं? अभी भी देख रहा हूं, अभी भी देख रहा हूं मैं कांग्रेस को, भारत जोड़ो यात्रा को देख रहा हूं, और ये भी देख रहा हूं कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने कोई बहुत ज्यादा वहां, राहुल गांधी खासकर वहां गुजरात में पिछले बार की तरह टाइम नहीं दिया उन्होंने, केवल सूरत तीन सभाएं उन्होंने की, दो या तीन सभाएं, उसमें एक सूरत की थी और एक शायद एक दो राजकोट या सौराष्ट्र में थी जी। तो कांग्रेस इस समय, जिस समय ये चुनाव हो रहे थे गुजरात में, उस समय घोर संकट से गुजर रही थी, पदयात्रा का चल रहा था, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव चल रहे थे और तमाम तरह के अंतर्विरोधों से, राजस्थान के अंतर्विरोधों से जूझ रही थी, और गहलोत जिनको कि गुजरात का प्रभारी बनाया गया था, वो जिस तरह के अपने राज्य में आंतरिक संघर्ष में लगे हुए थे पायलट के साथ, मतलब जो आदमी खुद अपने यहाँ कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पा रहा था, उसको गुजरात की जिम्मेदारी दी गई थी। तो कांग्रेस तो बहुत ज्यादा अंतर विरोधों से घिरी हुई थी, फिर भी ये माना जा रहा था कि कांग्रेस का जो कमिटेड वोट वोट है वो तो कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार 77 सीटें मिली थी जी, और तो इस बार इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो 31 से 40 सीटें, मतलब करीबन 30-35 सीटों का नुकसान होगा, पर वो 30-35 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को नहीं मिली है। जो कहा जा रहा था कि ये जो इसका वोट, इसकी जो सीटें कम होंगी कांग्रेस की जी, वो आम आदमी पार्टी को मिलेगी। तो इस पूरे जो एग्जिट पोल से ये सिद्ध होता है, जो डिटेल चुनाव परिणाम आएंगे, कि आम आदमी पार्टी के बारे में जो आरोप लगाए जा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए वहां है, तो वो लगभग सिद्ध होने जा रहे हैं, क्योंकि आप अगर इसका माइक्रो एनालिसिस करेंगे इन चुनाव परिणामों का, तो जो सीटें मिली हैं उनका अगर देखेंगे कि 10,000 से कम सीटें वाली कोई 30-40 सीटें जो थी जी, जो पिछली बार जीती थी, या 5,000 से कम की जो 16-17-18 सीटें थी, तो आप पाएंगे कि ये सारा का सारा डिफरेंस उन सीटों पर हुआ है जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कम सीटों से जीती थी और कांग्रेस भी कम सीटों से जीती थी। तो आम आदमी पार्टी ने जो नुकसान पहुंचाया है वहां गुजरात में, मेरी नजर में वो कांग्रेस को पहुंचाया, वो कांग्रेस को पहुंचाया है। ये श्रवणकर जी का आकलन है, लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, रजनी जी के पास मैं उसके बाद रुख करूंगा, पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय के दर्द को समझना चाहता हूं, अगर दर्द है तो, या पहले से पता था होने ही है इसीलिए राहुल गांधी ने झांका नहीं। क्या कमाल का चुनाव था, सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं डॉक्टर राहुल गांधी, हिमाचल में लोग देखने के लिए तरस गए, राहुल गांधी कहीं दिखे ही नहीं, गुजरात के संदर्भ में गली गली घूमे थे 2017 में, भाजपा को नागो चने चबा दिए थे, वो राहुल गांधी ने एक औपचारिकता पूरी की गुजरात में, मुंह दिखाई की रस्म कहते हैं, वैसे ही कुछ हुआ। पहले से जान गए थे क्या डॉक्टर उपाध्याय आप लोग, कुछ होना जाना नहीं है, इसलिए क्यों पसीना बहाना है, इससे अच्छा है देश के संदर्भ में काम किया जाए, सियासत बाद में कर लेंगे। और डॉक्टर साहब, गुजरात का जो आज एग्जिट पोल दिखा रहा है, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल आने दीजिए, एग्जिट पोल जस्ट इसकी तस्वीर को दूर उल्टा करेगा जी। और जिस तरह की परिस्थिति है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं, गुजरात का रिपोर्ट बता रहे हैं, मैं खुद, मेरे जैसे लोग 1.5 महीने 2 महीने वहां एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वहां रह के हम लोग भी आए हैं, और हमारे सभी नेता गुजरात में लगातार लगे रहे, जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चुनाव हुआ है, वोटिंग हुई है, मैं ये दावा ऐसे नहीं कर रहा हूं, जो ग्राउंड का स्थिति है उसको हम लोगों ने देखा है, जो सैंपल है इस एग्जिट पोल का, 50 प्रत्येक विधानसभा में अधिकतम जो सैंपल लिया है लोगों ने वो 50 का लिया है, लगभग ढाई लाख वोटर होते हैं, 2.25 लाख वोटर एवरेज होते हैं, उसमें 50 का सिर्फ सैंपल लेकर जो रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, एग्जिट पोल है और इसके भी अपने अपने विश्लेषण है, एनालिसिस है, अपने तरीके हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रिजल्ट इसके जस्ट विपरीत होगा जो हम लोग ग्राउंड में देख रहे हैं। गुजरात में सरकार बना रहे हैं आप प्रचंड बहुमत से, साफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी गुजरात से, आम आदमी पार्टी को कुछ मिलने नहीं जा रहा है, क्या होने जा रहा है? एग्जिट पोल ठीक नहीं है, एग्जैक्ट पोल क्या है? अजय उपाध्याय, जमीन पे समय बिताकर आए हो 1.5 महीने,
थोड़ा बताओ ना आप हम लोगों को क्या होने जा रहा है गुजरात में। गुजरात में सौराष्ट्र रीजन में, जैसा कि आप लोगों का ये एग्जिट पोल दिखा रहा है, सौराष्ट्र रीजन में हमें 54 में तकरीबन 39 से 40 सीट पहले भी आई थी और इस बार भी आ रही है। नॉर्थ गुजरात में हम लोगों ने जो 18 सीट जीते थे वो 22 पर बदल रहे हैं। हम लोग देखिएगा उस दिन जब रिजल्ट आएगा ये जस्ट विपरीत होगा। ये 140-145 के आंकड़े नहीं, लेकिन एक कंफर्टेबल बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी गुजरात में भी रहेगी और हिमाचल प्रदेश में भी जो रिजल्ट आप दिख रहा है और दिखाया जा रहा है, यदि सब ठीक है तो वहां सरकार भी कांग्रेस की ही बन रही है और तर्क है उसके आधार है। और दिल्ली की बेइज्जती के संदर्भ में भी कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? नहीं, एमसीडी में हमारी रिजल्ट नहीं आएगी, ये भी हम जानते हैं इस बात को। हम लोगों ने मुद्दों पर जरूर जनता के बीच ले जाने का काम किया और चूंकि ग्राउंड पे जीतने की स्थिति जिस पार्टी की थी उसको ज्यादा उसका लाभ मिला है। कूड़ा, नशा, प्रदूषण ये जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर भाजपा 15 साल से राज कर रही थी और वो मुद्दे नहीं लोगों के बीच उसको सोल्व कर पाई। इसलिए जो हमको वोट मिलना चाहिए हमें नहीं जरूर मिला, लेकिन उन मुद्दों पर हमने जनता को जागरूक करने का काम किया है और हमारे भी वोट परसेंट बढ़ेंगे, सीट बढ़ेंगे एमसीडी चुनाव। तो ठीक है, हमने राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर दिल्ली में काम कर लिया, इस बात के संतोष के साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय है, लेकिन मेरे साथ में रजनीश अग्रवाल जी हैं। जो रुझान है उस पर सवाल बाद में, पहले तो रुझान को लेकर रजनीश अग्रवाल जी की पहली प्रतिक्रिया सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रखर नेता हैं, क्या कहना चाहते हैं गुजरात को लेकर, हिमाचल को लेकर और थोड़ी सी बात दिल्ली को भी लेकर? देखिए डॉक्टर साहब, जो एग्जिट पोल हैं, अलग अलग एजेंसी अपने अपने तरीकों से एग्जिट पोल करती हैं, लेकिन मैं तो इसका विद्यार्थी रहा हूं तो मैं ये मानता हूं कि एग्जिट पोल बहुत हद तक एक प्रकार से रुझान बताने का काम करते हैं। उनकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है किस एजेंसी ने किस एक्यूरेसी के साथ में किया है। ये साइंस है, आप इसके समर्थन में खड़े हो या विरोध में है आपकी मर्जी, लेकिन निश्चित तौर पर एक जो सैंपल सर्वे उनका होता है उसके आधार पर जो भी बात कही जाती है सच के बहुत करीब होती है। लेकिन कई बार जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य होने के कारण, वो उत्तराखंड का मामला हो, गोवा का मामला हो, ऐसे छोटे राज्य जहां बहुत कम अंतर से हार जीत होती है, तो कई बार बहुत सटीक अनुमान या सटीक एग्जिट पोल नहीं आ पाता है। कई बार वो दाएं बाएं हमारे पक्ष में या विपक्ष से कारण नहीं कह रहा हूं, कई बार कोई भी परिणाम हो सकता है। इसलिए उसकी जो एक्यूरेसी है उस पर सवाल खड़ा करने का मुझे नहीं लगता कोई कारण है कि विविधतापूर्ण समाज है कई प्रकार से, इसलिए मैं उस पर सवाल खड़ा करने वाला नहीं हूं। हाँ, परिणाम जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से कई कार्यकर्ता हर स्तर पर चुनाव प्रबंधन या प्रचार के लिए गए हुए थे, उनका जो फीडबैक था वो फीडबैक बता रहा था कि गुजरात में हम पिछले बार से ज्यादा अच्छे से सीटें जीतकर सरकार में आने वाले जी। जैसा मूड वहां के जनता का है, ये सामान्य तौर पर, मतलब कोई उसमें सर्वे करके नहीं, सामान्य तौर पर उन लोगों का जो समाज में घुल मिलकर आए थे तो उनका एक कथन था। हिमाचल प्रदेश में ये सबको जानकारी थी, कई मीडिया के विश्लेषक भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस वैसा नहीं है जैसा एक सरकार के बाद में दूसरी पार्टी की सरकार आने का वहां एक रिवाज था, वो रिवाज टूटने वाला है और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जी। इसमें कहीं संदेह नहीं है। जो मैं कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर कह रहा हूं और जो सर्वे बहुत हद तक उसके करीब बता रहे हैं। मैंने थोड़ी सी उम्मीद की थी दिल्ली को लेकर भी आप कुछ कह लेंगे रजनीश जी, आपने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो बड़ी छोटी सी उम्मीद की थी कुछ तो कह लेंगे। नहीं, मैं भूल गया, उसमें कोई बचने बचाने का कारण नहीं है। दिल्ली का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ में, अपनी पूरी क्षमता के साथ में चुनाव लड़ा है और हमें पूरा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एमसीडी के चुनाव होंगे, परिणाम होंगे, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। और पहली बार मैंने देखा कुछ समय से, जो जब से आम आदमी पार्टी का वहां उदय हुआ है, कि भारतीय जनता पार्टी ने विमर्श खड़ा करने का काम किया दिल्ली में। अरे रजनीश जी, थोड़ा मुद्दे पर रहिए, अभी तो आप बता रहे थे कि मैं इसका विद्यार्थी रहा हूं, मैं काफी हद तक सटीक ही रहते हैं ये दावा कर रहे थे। उस दावे के तहत गुजरात के साथ आप खड़े हैं, हिमाचल के साथ भी आप खड़े हैं, पर दिल्ली के संदर्भ में बात आई तो आप बिल्कुल अपोजिट में खड़े हो गए, ऐसा कैसे चलेगा? दिल्ली में बताया ही जा रहा है कि आप वहां से साफ नहीं हो रहे हैं।
पूरी तरीके से साफ हो रहे हैं, झाड़ू चल रही है, तसल्ली से चल रही है। और ये उंगली आप जो ऐसे कर रहे हैं ना, मैं आपको आंकड़े के साथ बताता हूं, 250 सीटें होती हैं दिल्ली नगर निगम में, 3 हिस्सों में विभाजित थी, योजनाबद्ध तरीके से आपने उसे वापस एक कर दिया, और उसके बाद में जब गुजरात में चुनाव है उसके बीच में आपने ऐलान कर दिया, लोगों ने माना कि आपकी ताकत को बिखेरने के लिए ऐसा किया गया, इसके बावजूद भी आंकड़े ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 250 में से तकरीबन 125 सीटें जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी 181 सीटें हैं इस समय, 181 वार्ड हैं, वो बमुश्किल 40, और कांग्रेस की हालत तो यह है कि दहाई तक भी नहीं पहुंचा रहे लोग। ये है उस एग्जिट पोल के आंकड़े जिसके आप विद्यार्थी रहे हैं और जिसको काफी हद तक, कुछ मिनट पहले ही आपने बोला, आप काफी हद तक सही भी पाते हैं। अब बोलिए राजनीति जी, क्या कह रहे हैं आप, हम सुनना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल बोलता हूँ, मैं दिल्ली के बारे में बोलना भूल गया, लेकिन ये जो आपने कहा, मैंने उसके पहले भी कहा था कि जहाँ छोटे चुनाव होते हैं, हिमाचल के बारे में मैंने, उत्तराखंड, गोवा और उनके साथ में दिल्ली को भी शामिल करता हूँ, यहाँ बहुत सटीक अनुमान आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है जी, ऐसा जरूरी नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि आप आने वाले समय में देखिए, वो बताएंगे हिमाचल के बारे में भी हो, उत्तराखंड के बारे में कौन कह रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जी, उत्तराखंड गोवा में तो किस प्रकार का माहौल बनाया गया था, लेकिन परिणाम आए, सबके सामने दिखाई पड़े। मैंने इसीलिए आप सबसे पहले कहा था कि मेरा विश्वास है, लेकिन वो सटीक बात जो छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, चाहे वो एमसीडी के नाते हो, चाहे वो विधानसभा के हिमाचल के नाते हो, या और भी छोटे राज्यों के नाते हो, परिणाम उदाहरण है। मैं तो अतीत के उदाहरण और एग्जिट पोल के उदाहरण की बात कर रहा हूँ, मैं विधा को नहीं नकार रहा हूँ जी, मैं विधा को नहीं निकाल रहा हूँ, ये रजनी जी कह रहे हैं। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से अभिषेक तिवारी जी हैं। अभिषेक जी, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए अपने जन्मभूमि के लिए अच्छी खबर, बाकी सारी जगह से जैसा आप समझना चाहें, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं सीधे रुक करूंगा श्रवण गर्ग जी के पास इसके संदेशों को समझने के लिए। जी अभिषेक जी, और अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो सर्वे एजेंसी है जी, ये जो एग्जिट पोल आया है प्राइवेट कंपनी के, हो सकता है आंकड़ा क्या है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मेरा कहना है कि आज राष्ट्रीय स्तर पे भी, अभी कोई मित्र हमारे कह रहे थे कि हमने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, हमने साहब कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम वहां पे मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, जो कांग्रेस पिछले 27 सालों से गुजरात की जनता की आवाज नहीं उठा पा रही, हमने उठाने का काम किया। हमने गुजरात की जो मूलभूत वहां पे सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी वहां पे पिछले 27 सालों से कुशासन करने का कार्य कर रही है, हम उसको उठाने का कार्य किए। अभी जब आपको 8 तारीख को एग्जैक्ट पोल आएगा तो आपको चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। और जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से कोई काम नहीं किया, इन्होंने नेताओं की फौज लगा दिया, और अभी भी मैं दिल्ली का जो एग्जिट पोल है उससे सहमत नहीं हूँ। आप देखेंगे 8 तारीख के 200 से ज्यादा सीटें हम जीतने जा रहे हैं गुजरात, और आने वाले टाइम पे जब 2024 का जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस भारतीय राजनीति में अपनी अपनी वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है, अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है, अभिषेक जी का कहना है। लेकिन मैं इसको थोड़ा विस्तार देना चाहता हूँ, अब रुझान से आगे का, और इसके लिए श्रवण जी के पास जाना चाहता हूँ। क्या अब भी नरेंद्र मोदी को लेकर किसी को चुनौती के तौर पर देखें, या माना जाए जब तक नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं अपराजय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गुजरात में वोटिंग पिछली बार के मुकाबले 6% से ज़्यादा घट रही है, पर इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में रुझान प्रचंड बहुमत के दर्शा रहे हैं, जबकि ट्रेंड था जब जब वोटिंग घटती है भाजपा की सीटें घटती हैं, ये भी ट्रेंड चला रहा था कि लगातार भाजपा वहाँ पर अपने जनादेश को घटाती जा रही है, सीटें घटती जा रही हैं, पर इस बार उलट है। हिमाचल सरकार बनाए रखने में कामयाब हो रही है, चेहरा नरेंद्र मोदी रहे, जयराम ठाकुर के स्थान पर नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे गए, नरेंद्र मोदी ही लगे रहे। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी की शख्सियत को लेकर, उनकी संभावना को लेकर श्रवण जी? नहीं, मैं आपकी दूसरी बात से सहमत हूँ काफी हद तक कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक उनको, मतलब जैसे भीष्म पितामह थे ना कि उनको कैसे पराजित किया जाए उनसे ही पूछना पड़ता था कुरुक्षेत्र में, वैसे ही नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा कि आपको अगर हमको पराजित करना हो तो उसका गुर आप बताइए। तो वो तो खैर, एक जो आपने कहा वो सही है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप मतलब जब नरेंद्र मोदी भाजपा में का नेतृत्व नहीं कर रहे होंगे
जी तब भाजपा क्या क्या होगी वो हमको अलग से बात करना पड़ेगी किसी चर्चा में। तो अभी हम नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं कि वो ही भाजपा है इसलिए वो अपराजय। मैं आपको हिमांशु जी आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक अलग थीसिस चर्चा के लिए छोड़ना चाहता हूं। जी वो थीसिस ये है तीनों चुनावों का जी। और वो मैं आपसे भी समझना चाहूंगा क्योंकि आप भी काफी विद्वान आदमी हैं जी, कि आम आदमी पार्टी इतने भारी बहुमत से कैसे दिल्ली में जीतती है जी, आम आदमी पार्टी को जीरो सीट क्यों मिलती है हिमाचल में जो कि पंजाब से लगा हुआ है और जहां उसने जोर शोर से अपना काम प्रारंभ किया था और फिर अचानक हिमाचल के चुनावों की पूर्व संध्या पर सारे के सारे आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता हिमाचल से अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर कि जैसे वहां चुनाव हो नहीं रहे हैं और आम आदमी पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है वो क्यों गुजरात में केंद्रित हो जाती है जी। और मतलब मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूं वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जी। वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के पार्टी के बीच की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जी। और उसका जो माइक्रो एनालिसिस है मैंने पहले भी कहा जी। वो इन चुनाव परिणामों के बाद में आएगा, मतलब एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का गुजरात का जब रिजल्ट आएगा, मैं हिमाचल के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जी, और दिल्ली की बात भी नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली में तो ये एक माना जा रहा था, सभी ने मान लिया था कि वहां पर आम आदमी पार्टी आने वाली है क्योंकि वहां जिस तरह का असर्शन केजरीवाल का रहा है वो भी एक अलग मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे, मोदी जी की नाक के नीचे पूरी पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के पास होने के बावजूद, लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने हॉस्टाइल होने के बावजूद और तमाम शराब कांड उठाने के बावजूद, इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद, सत्येंद्र जैन वीडियो कांड के बावजूद, वो आम आदमी पार्टी कैसे वहां एंटी इनकम्बेंसी को डिफीट करती है वो एक अलग मुद्दा है जी। तो इसको तीनों चुनावों को आप मिलाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सीटों का इजाफा हुआ है वहां गुजरात में तमाम एग्जिट पोल में, मैंने सारे एग्जिट पोल को देखा जी। सभी यूनेनिमस है एक तरह से जी। सीटों के मामले में ये क्यों हुआ, इसका रहस्य क्या है? तो इसका रहस्य ये है कि वहां एक सोतन का प्रवेश हो गया, उस सोतन ने संपत्ति में अपना बंटवारा कर लिया और आप पाएंगे कि जो सौराष्ट्र और साउथ गुजरात का इलाका है जहां की फर्स्ट फेज का 1 तारीख को चुनाव हुआ था उसने कांग्रेस को सबसे बड़ा धक्का पहुंचाया है सौराष्ट्र में और साउथ गुजरात में। आम आदमी पार्टी जो 15 से 17 सीटें जीतने की बात कर रही थी गुजरात में, या पूरी की पूरी ताकत उसने सूरत क्षेत्र में लगाई थी जहां लोकल बॉडीज में 27 उसके काउंसलर्स जीते थे जी, वहां पर आम आदमी पार्टी कैसे एक सीट पर या दो सीट पर कैसे सीमित हो जाती है गुजरात में। तो ये एक बड़े चौंकाने वाला रिजल्ट, इसलिए चौंकाने वाला रिजल्ट श्रवण जी बता रहे हैं और कुल मिलाकर वो संकेत ये दे रहे हैं ये कुछ है क्या जो भाजपा और आपके बीच में पकड़ा है और उस पकने में जल कांग्रेस जा रही है, ये श्रवण जी का सीधे तौर पर संकेत है। अभिषेक जी इसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं पर अभिषेक जी जो जल रहा है पहले उसकी सुननी चाहिए, जो जला रहा है उसकी बाद में सुनेंगे। तो जलने वाले हमारे पास डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी हैं, श्रवण जी ने इशारा किया है, श्रवण जी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, श्रवण जी के खिलाफ होना चाहते हैं या कुछ और कहना चाहते हैं डॉक्टर राजीव उपाध्याय? कुल मिलाकर श्रवण जी ने बताना चाहा है कि एक लकड़ी और आग मिलके आपको तपा दे रही है, क्या कहते हैं? देखिए श्रवण जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, एक अच्छा विश्लेषक हैं और उनके अनुभव और उनके जो विश्लेषण को मैं कभी प्रश्न के दायरे में नहीं ला सकता, उनकी अपने अपनी समझ है और बड़ा लंबा कैरियर है उनका जी। और एक बात उन्होंने कही कि जो कंस्पिरेसी थ्योरी है रियल बात है, जब एनालिसिस होगा यदि ऐसा रिजल्ट जो दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में
हालांकि हम लोग इस एग्जिट पोल को नकारते हैं सिरे से और रिजल्ट इसका जस्ट विपरीत होगा, लेकिन यदि यह है, हाइपोथेटिकल प्रश्न है, तो निश्चित तौर पे रिजल्ट के बाद एक विश्लेषण बनता है कि आम आदमी पार्टी क्यों उन्हीं राज्यों में जाती है जहां कांग्रेस की प्रोस्पेरिटी है, कांग्रेस की संभावना है और भाजपा को कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं मात देनी होती है, चाहे वो गुजरात है या पहले भी। माफी के साथ में आपको हस्तक्षेप कर रहा हूं आज, बात में ईमानदारी से रहो, या तो कहो कि हाँ एग्जिट पोल के रुझान के साथ में, क्योंकि हम श्रवण जी के भी साथ में हैं, श्रवण जी जो कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं, हाँ जमीन पे ऐसा हो रहा है, आप और भारतीय जनता पार्टी मिलके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अगर रिजल्ट आया तो ये होगा और नहीं आया तो हम तो दावा कर रहे हैं गुजरात में हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों बातें तो नहीं चलेंगी ना, या तो मानो कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है या मानो हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दोनों पे सवार होने की जो आप कोशिश कर रहे हो ना, ये बात ठीक नहीं है भाई, बाकी आपकी मर्जी है। डॉक्टर साहब दो बात है, पहली बात है कि आम आदमी पार्टी, भाजपा, बड़ी भाजपा और छोटी भाजपा हम लोग शुरू से करते रहे हैं, कहते रहे अलग बात, अभी आप दावा ये कर रहे हो कि गुजरात में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, आपने बोला है, कहो तो वापस सुनवा दूं पीसीआर टीम को बोल के, और दूसरी तरफ जैसे श्रवण जी ने ये कहा कि आप और भाजपा मिलकर कहीं कुछ कर रहे हैं क्या, इस कॉन्स्पिरेसी को समझने की जरूरत है, तो आप तुरंत खड़े हो गए, श्रवण जी को कोई चुनौती नहीं है, श्रवण जी के ज्ञान पर कोई सवाल नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, आप या तो अपने साथ रहो या श्रवण जी के साथ रहो, आप अपने साथ भी रहोगे श्रवण जी के भी साथ रहोगे, ऐसा कैसे चलेगा? डॉक्टर साहब पूरा मेरे वक्तव्य को पूरा शायद लगता है कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट अलग आपने ले लिया, मैं कहा उनके विश्लेषण जो है उनके अपने विश्लेषण है, और उनके विश्लेषण में तथ्य ये है कि रियल बात है आम आदमी पार्टी और भाजपा की मिली भगत है, वो दिखता है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, जैसे हिमाचल से कोई अब बिस्तर बन जाती है, गुजरात में आ जाते हैं, हाँ, लेकिन रिजल्ट का जहां तक प्रश्न है, हम ये मानते हैं कि ये रिजल्ट नहीं ऐसा आएगा, बावजूद आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया कि कांग्रेस को डेंट करे और भाजपा को लाभ पहुंचाए। डॉक्टर अजय उपाध्याय अगर हार गए तो आप और भाजपा की जुगलबंदी जिम्मेदार, और जीत गए तो फिर जाके हमसे ज्यादा बहादुर कौन है इस पर रहना चाहते हैं, हार का कारण तो वो श्रवण जी के साथ चले जाएंगे, और जीत गए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अभिषेक तिवारी जी बहुत परेशान हो गए थे जब श्रवण जी ने इस संभावित गठजोड़ को लेकर इशारा किया, तो मुझे आना रजनीश जी के पास है गठजोड़ को समझने के लिए, कि उसे पहले अभिषेक जी की सुन तो ले, क्यों परेशान हो गए श्रवण जी के आकलन से, या श्रवण जी के आकलन के साथ हैं कि हमने भाजपा को सेट कर लिया है, कांग्रेस को पहले निपटा दे फिर भाजपा से निपटेंगे। मुझे लगता है कि देश में एक उदाहरण है और देश की जनता इस चीज को समझ रही है, अगर कोई गठजोड़ का कार्य है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है, पिछले 75 सालों में यही दोनों राज कर रहे हैं। आप लोग गुजरात का चुनाव बहुत दिनों से कवर कर रहे होंगे, पहले कभी चुनाव हुआ ही नहीं, एक्चुअली ये भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा दे देते थे, आप चुनाव जीत जाओ, कोई वहां पे प्रचार नाम का चीज नहीं होता था, कोई जनता का मुद्दा नहीं उठाते थे। अगर भाजपा को कोई हराने का कार्य किया तो आम आदमी पार्टी ने किया, 2013 का आप उदाहरण देख लीजिए, 2015 का उदाहरण देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के अंदर अब वो ताकत नहीं बची है जो भारतीय जनता पार्टी को हराए। आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में दिखाई देती है और उसका उदाहरण है, डायरेक्ट फाइट हुआ हमारे 2015 में भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में, हमने उनको हराने का कार्य किया। 2022 में आप एमसीडी चुनाव में डायरेक्ट फाइट हुआ, हम वहां पे हराए। और मजे की बात यह है कि जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता नकारती है, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा नंबर देती है, वो कांग्रेस ही फारे बिक करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बना देते हैं, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। तो देश की जनता इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है कि अब कांग्रेस को वोट देने का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी को। अरे तो कौन सी खास बात है, कांग्रेस पार्टी के लोग जीतने के बाद भाजपा के साथ हो जाते हैं, आपके लोग तो अभी गुजरात में लड़ने से पहले ही भाजपा के साथ हो गए, उस उदाहरण को देखिए ना, तो वो उदाहरण भी आपके साथ में, थोड़ा विचार कीजिएगा इसके संदर्भ में। बहरहाल मैं रजनीश जी के पास जाना चाहता हूँ, और रजनीश जी, श्रवण गर्ग जी का आकलन है कांग्रेस से सीधे ना निपट पाओ तो किसी और तरीके से निपटो, इसके लिए आम आदमी पार्टी को टूल किट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो और उसी अनुसार पूरी जमावट कर रहे हो, क्या कहते हो आप इस बात पर? देखिए, श्रवण गर्ग जी ने दो बातें कही हैं और उन्हें अपनी थीसिस, थ्योरी जो भी बताने का काम कर रहे हैं। पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग, ये नई बात नहीं है,
अटल जी जब नेता थे तब भी ये बताने की कुछ लोग कोशिश करते थे कि भाजपा और अटल जी दोनों अलग है जी। ये सबकी अपनी सोच सोच हो सकती है और दोनों को अलग बताकर अपना एक नया तर्क गढ़ने की कोशिश करते रहे हैं लोग। आदरणीय श्रवण जी भी वही बात कह रहे होंगे तो कोई मुझे अचरज नहीं है जी। दूसरी बात, अभी जो बात कही जा रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संदर्भ में, कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा भाजपा का कहीं कोई बयान नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व का भी नहीं, कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, गुजरात में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं, सवाल जवाब हुए हैं नेताओं से और इसके बारे में सफाइयां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से भी दोनों तरफ से आई है, क्योंकि जिस तेजी के साथ में उछल कूद आम आदमी पार्टी की हिमाचल में हुई थी वो अचानक इलेक्शन आते आते थम गई और गुजरात में कांग्रेस ने वो चुनाव प्रचार कैंपेन जो कहा जाता है वो नहीं चलाने का काम किया। ये आप लोगों ने, मीडिया ने उसका खूब विश्लेषण किया, हमारा कोई आरोप नहीं है, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी। दरअसल हम अपने आप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए कुछ तर्कों को गढ़ना शुरू कर देते हैं। पहली तो इसलिए आप नहीं स्वीकार कर पा रहे किसी की विजय को तो अपनी नई थ्योरी नई थीसिस दे दीजिए, लेकिन बताइए साहब आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी तो समर्थन कांग्रेस ने दिया था दिल्ली में कि नहीं दिया था जी? कांग्रेस का वोट मर्ज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पक्ष में हुआ था कि नहीं हुआ था जी? ये तथ्य है। लोकसभा में कांग्रेस के कई प्रकार के मत आने पर आम आदमी पार्टी के सांसद कांग्रेस के पक्ष में खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये केवल महज सुरसुरी छोड़ पर रजनीश जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण तर्क दिया है और उस तर्क के संदर्भ में मुझे श्रवण जी के पास आना पड़ेगा। और श्रवण जी, रजनीश जी का कहना है कि डील तो हुई, कॉन्स्पिरेसी तो है, षड्यंत्र तो है, पर्दे के पीछे खेल तो हुआ है, पर वो खेल भाजपा और आपके बीच नहीं हुआ है, वो खेल आप और कांग्रेस के बीच हुआ है। आपने कांग्रेस के लिए हिमाचल छोड़ दिया और कांग्रेस ने गुजरात आपके लिए छोड़ दिया जी। रजनीश जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने ऐसा नहीं कहा, भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा है, पत्रकारों ने। अरे भाई, तो बात तो वही है ना, आप इतनी वजनदारी के साथ कार्यक्रम में कह रहे हो तो साहब श्रवण जी, ये रजनीश जी नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, पर रजनीश जी इस कार्यक्रम में ये बता रहे हैं कि कई विश्लेषकों ने, कई पत्रकारों ने, कई विद्वानों ने इस संदर्भ में इशारा किया है। और विद्वानों का मतलब आपके साथ जो लोग उठते बैठते उनके संदर्भ में रजनीश जी का कहना है, तो हमारे संगी साथियों के संदर्भ में रजनीश जी कोट कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, आप एक चीज समझिए हिमांशु जी, जी। ये हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद था ही नहीं कभी भी जी। मतलब कोई पार्टी अगर पहले से रही हो चुनावी क्षेत्र में तो हमको समझ में आता है कि उसने वहां पर थी पहले से और उसने एक पक्ष के समर्थन में विड्रॉ कर लिया या ज्वाइन कर लिया जी। आम आदमी पार्टी गुजरात में विधानसभा चुनाव में थी ही नहीं, लोकल बॉडीज के चुनाव में उसने पहली बार पिछली बार चुनाव लड़ा साउथ गुजरात में, सूरत के इलाके में, और उसमें जो उसको सफलता मिली उससे उसने एक अनुमान लगा लिया कि उसको बहुत सारा जोर मिलेगा जी। आप अगर, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूँ, रजनीश जी चाहे उसको स्वीकार करें नहीं करें, मैं उस पर जोर नहीं देना चाहता। आम आदमी पार्टी का देखिए हिमांशु जी, एक गंभीर विश्लेषण की जरूरत इस चुनाव ने पैदा की है जी। वो ये कि आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर वहां लगाया है। कहां लगाया है? सौराष्ट्र में और साउथ गुजरात में जी, जहां की फर्स्ट फेज के चुनाव हुए जी, 89 सीट्स के हुए 19 जिलों में जी। अब आप देखिए कि वहां 5% वोटिंग कम होता है, पहली चीज ये देखिए, 5-6% वोटिंग कम हुआ पिछली बार के मुकाबले जी, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जो सौराष्ट्र के कारीगर हैं, जो काम करते हैं साउथ गुजरात में, सूरत में डायमंड इंडस्ट्री में, 5-7 लाख वोटर्स होते हैं। आप जब इसका एक आएगा विश्लेषण आएगा तब आप पाएंगे कि ये वोटिंग कम क्यों हुआ, तब आप पाएंगे कि वो जो 5-7 लाख वोटर्स हैं वो इस बार वोट डालने सौराष्ट्र में गए नहीं जी।
क्योंकि उसी दिन यहाँ पर एक ही दिन दोनों जगह वोटिंग थी, सौराष्ट्र में भी और साउथ गुजरात में भी, और वो गए नहीं उस दिन, एक तारीख को वहां गए। तो वोटिंग का जो कम होना जी, और आम आदमी ने पूरा जोर साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में लगाया, नॉर्थ गुजरात और मध्य गुजरात में नहीं लगाया, ये तो सारे अखबार लिख रहे हैं, सारे एनालिसिस में आ रहा है जी। तो आप पाएंगे कि ये जो पूरा फर्क हुआ है वो दो कारणों से हुआ है। लोगों की जानकारी में होना चाहिए इस चीज को कि वहां गुजरात में पूरा फर्क जो आया है वो आम आदमी पार्टी और ओवैसी, ओवैसी का अगर आप पता करेंगे, ओवैसी का पार्टी का, तो अहमदाबाद की ऐसी सीटों पर भी जहां कांग्रेस जीत सकती थी या कांग्रेस जीत रही थी पिछली बार, वहां भी ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए कांग्रेस को हराने के लिए। तो ओवैसी का फैक्टर, जो कि मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जी, आम आदमी पार्टी जिसके के बारे में मैंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में मैंने कहा जी, ये जो वोट, ये जो मतों का विभाजन हुआ है वहां पर गुजरात में, मुझे एक चीज कोई भी समझा दे, मैं समझने को चाहता हूं जी, कि ये जो आपके आम आदमी के प्रवक्ता में नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्षमा करेंगे, उम्र के कारण थोड़ा सा अभिषेक जी, स्मृति अभिषेक जी जी, ये इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने पूरी तरह से हिमाचल से विड्रॉ क्यों किया आम आदमी पार्टी ने, जो कि पंजाब से लगा हुआ इलाका है। अच्छा सॉरी जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर आप अन्यथा ना ले तो आपकी अनुमति से ही करना चाहता हूं। ये आम आदमी पार्टी ने हिमाचल से अचानक विड्रॉ किया, क्यों किया, ये आप जानना चाहते हैं, और मैं आपसे समझना चाहता हूं ये राहुल गांधी ने पूरी तरीके से अपने आप को हिमाचल से विड्रॉ किया, क्यों किया, ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, इसके संदर्भ में आपसे दृष्टि चाहता हूं। सवाल है ना, जिस हिमाचल में रिवाज के चलते पार्टी के सत्ता में आने की संभावना थी, राहुल गांधी ने उस चुनाव से अपने आप को एक घंटे के लिए भी जाने की जरूरत नहीं समझी, इसके संदर्भ में भी तो कुछ कहिए ना, इस अकलबंदी के संदर्भ में, इस दूरदर्शिता के संदर्भ में, इस समर्पण के संदर्भ में। मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी ने अपने आप को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया है इस तरह के पूरे के पूरे, और वो किसी कंपल्शन के चलते ही गुजरात में इतना, उन्होंने संक्षिप्त दो दिन की यात्रा की या तीन दिन की यात्रा की। हम एक चीज को समझ के चले हिमांशु जी, कि जब यात्रा इन्होंने शुरू की थी अपने राहुल गांधी ने, तब ये तय हो गया था कि गुजरात में और हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसके बावजूद वो यात्रा पर निकले, और तो वो अगर चाहते तो अपनी यात्रा को स्थगित भी कर सकते थे, पोस्टपोन कर सकते। उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा मामला, जब आप चाहते हैं कि गांधी परिवार को चुनाव से अलग रहना चाहिए, गांधी परिवार का संगठन से कोई लेना देना नहीं है, गांधी परिवार ने संगठन को कब्जे में कर रखा है, पूरा का पूरा जो विरोध है गांधी परिवार के खिलाफ है, तो भी उन्होंने चुनाव के जरिए, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव में अध्यक्ष बना दिया। अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे की जिम्मेदारी है कि वो गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी को रावण कह रहे हैं जी, तो अब ये तो कोई राहुल गांधी ने उनको कह के नहीं भेजा था कि आप वहां जाके नरेंद्र मोदी को। अभिषेक जी के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी दलील के संदर्भ में मेरे पास प्रति प्रश्न है, बहुत विनम्रता के साथ। गांधी परिवार अलग कहां हुआ? राहुल गांधी नहीं गए हिमाचल में, पर प्रियंका गांधी तो हिमाचल में ही रही, तो गांधी परिवार मुक्त कहां हुआ? हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने न केवल चुनाव का नेतृत्व किया, बल्कि चुनाव खत्म होने के बाद सबके बायोडाटा भी प्रियंका गांधी ही मंगा रही हैं, नए मुख्यमंत्री की शपथ के लिए किसको क्या मौका देना चाहिए, ऐसी खबरें तैर रही हैं। तो सवाल तो वापस आता है कि आपने कहा कि राहुल गांधी ने अपने आप को मुक्त कर लिया है, आपने दलील ये भी दी कि उन्होंने यात्रा रखी है ऐसे समय पर जब उन्हें पता था कि इधर चुनाव होने, तो भी उन्होंने ये काम किया, तो ये भी क्या कोई डील के तहत है? क्या राहुल गांधी को पता था कि कुछ होना जाना नहीं है अपनी पार्टी का, इसलिए यात्रा पे ही निकल लो, हार के संदर्भ में कम से कम अपने ऊपर ठीकरा नहीं आएगा, क्या था थोड़ा इसमें दृष्टि तो मिले ना सोनी? ये आपका आरोप है कि राहुल गांधी को पता था कि ठीकरा नहीं फूटे इसलिए यात्रा पे ना? मेरा तो विद्यार्थी के नाते आप जैसे शिक्षक से सवाल है श्रवण जी, मेरे और आपके बीच में संबंध इसी बात का है,
आप गुरु हैं, हम शिष्य हैं। पर प्रियंका गांधी का तो मकान है हिमाचल में, प्रियंका गांधी वहां की रहवासी हैं, और प्रियंका गांधी का होना एक कांग्रेस के स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य के नाते अगर है वहां, तो कोई आपत्ति तो नहीं होना चाहिए कि अगर वो वहां है तो वो गई या सभा आयोजित कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उनको क्या करना चाहिए? मतलब प्रियंका गांधी को क्या करना चाहिए? घर पे बच्चे बड़े करना चाहिए या बच्चे और पालना चाहिए? क्या करना चाहिए? घर बैठना चाहिए? हम लोगों का एक गांधी परिवार को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का नजरिया, वही नजरिया आपका भी है कि प्रियंका गांधी क्यों गई और राहुल गांधी क्यों नहीं गए? अरे श्रवण जी, देखो आप तो मुझे जबरदस्ती में जो है कड़घरे में खड़ा करो, मैं तो आपकी दलील के संदर्भ में सवाल कर दिया। आपने कहा कि राहुल गांधी ने तय किया कि गांधी परिवार को दूर रहना चाहिए, तो मैंने केवल आपको ये बताना चाहा, आप अमेरिका में, तो मैंने आपको केवल इतना बताना चाहा कि नहीं सर, गांधी परिवार दूर नहीं रहा, गांधी परिवार था, प्रियंका गांधी के रूप में था। तो ये मैंने केवल आपकी जानकारी में लाना चाहा श्रवण जी, तो आप तो मुझे ही भाजपा के साथ खड़ा कर दिए। नहीं नहीं, मैं तो भाजपा के साथ खड़ा नहीं कर रहा हूँ, आपको भाजपा का मानता भी हूँ। मैं ये कह रहा था कि गांधी परिवार से कांग्रेस को अलग आप नहीं कर सकते। कैसे अलग करेंगे आप? आप 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 संघ परिवार को भाजपा से अलग कर सकते हैं क्या, ये बताइए। अरे मैं बिल्कुल नहीं कर रहा सर, आपने ही कहा था कि राहुल गांधी अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, गांधी परिवार को अलग रखना चाहते हैं, तो मैंने केवल वही तो आपको बताना चाहता सर कि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन राहुल गांधी की कोशिशों को प्रियंका गांधी ने सिरे नहीं चढ़ने दिया। सोनिया गांधी ने तो मदद कर दी स्वास्थ्यगत कारणों से, पर प्रियंका गांधी पूरी एक्टिव रही सर, और बहुत तरीके से एक्टिव रही, बहुत मेहनत की उन्होंने हिमाचल के संदर्भ में, ये आपकी जानकारी में ला रहा था। मेरा ये मानना है कि हिमाचल में जो सीटें जीती हैं कांग्रेस ने, उसमें बहुत सारा श्रेय आप प्रियंका गांधी के वहां सक्रिय होने को भी दे सकते हैं, मेरा ऐसा मानना। तो ये श्रवण जी का आकलन है। अभिषेक जी को सशक्त बनाना चाह रहे हैं, अभिषेक जी की बात सुनते हैं और फिर अजय उपाध्याय जी के पास चलते हैं। जी अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा ये कहना है कि एक्चुअली ना तो कांग्रेस को समझ आ रहा है कि कांग्रेस वाले कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं हम कांग्रेस के बी टीम है। असल बात यह है कि हम लोग जनता की टीम है, जनता के मुद्दे उठाते हैं। आप लोग इतने सालों से चुनाव को कवर करते आए हैं, जिस तरीके से जिस एग्रेशन के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात के लोगों का मुद्दा उठाया है, ऐसा तो कभी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने चुनाव तो नहीं लड़ा। और भारत के राजनीतिक इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में आम आदमी पार्टी सबसे तेजी से बढ़ती राजनीतिक पार्टी है, और आने वाले टाइम पे हम लोग जो अरविंद केजरीवाल मॉडल है, दिल्ली मॉडल है, इसको हम लोग, जरी बात गुजरात की अभी बात कर रहे थे श्रवण जी, गुजरात हिमाचल की, हिमाचल हमने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, वहां पे अरविंद केजरीवाल जी कई बार रैली करने गए, वहां पे मनीष सिसोदिया जी गारंटी देने गए। तो हिमाचल के लोगों को एतवार नहीं हुआ आप पे? श्रवण जी ये भी बता रहे हैं पंजाब से लगा हुआ इलाका है, ये 6 महीने में पंजाब में आपने क्या इतनी बर्बादी कर दी कि हिमाचल के लोग आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं हुए? एग्जिट पोल बता रहा है 2% वोट मिले हैं, गुजरात में 15% वोट मिल रहे हैं। तो आप मान रहे हैं कि हिमाचल की जनता ने आपके तमाम मजबूती से लड़ने के बाद भी सिरे से खारिज कर दिया, आपको किसी लायक नहीं समझे गए आप? नहीं, अभी ये 8 तारीख को निर्णय आएगा, 8 तारीख को इस चीज का परिणाम आएगा कि वहां की जनता ने क्या किया। मैं पहले भी बोला कि आपके जो ये एजेंसी ने जिसने भी एग्जिट पोल किया है, मैं उसमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता, चाहे वो दिल्ली। कोई बात नहीं, 8 तारीख को भी कोशिश करेंगे अभिषेक जी हम आपको जोड़ने की, लेकिन मुझे आना अजय उपाध्याय जी के पास है, लेकिन उससे पहले रजनीश जी के पास आना चाहता हूँ, और रजनी जी आपसे जानना चाहता हूं कितना मुग्ध हैं आप इन रुझानों से? ज्यादा कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है, पर इसके चलते आप परेशानी महसूस नहीं कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा या बाकी नेताओं का क्या होगा? अब जहां पर भी चुनाव लड़ती है ना भाजपा, वहां के मुख्यमंत्रियों को सिरे से खारिज कर देती है, केवल एक नाम नरेंद्र मोदी। क्या कहते हैं आप, प्रदेश के स्तर पर नेताओं के ऊपर से 6 इंच छोटा करने के सिलसिले को? भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और सबसे लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा है? रजनीश जी आपने बताया कि सबसे सफल मुख्यमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, तो मैंने जानना चाहा क्या नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं भाजपा के इतिहास में? नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे,
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान जी रहे, नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, और मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में शिवराज जी की बात कर रहा हूँ और मैं फिर दोहराता हूँ। अच्छा, सुंदरलाल पटवा या कैलाश जोशी के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान रहे, रजनी जी बता रहे हैं, और उमा भारती के भी मुकाबले। बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर्वाधिक समय मुख्यमंत्री रहने वाले, सर्वाधिक लोकप्रिय रहने वाले, जिनके नेतृत्व में लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, शिवराज जी रहे। मैं अपने शुद्ध हिंदी में, सपाट हिंदी में ही तो कह रहा हूँ जी, पूरे होशो आवास में कह रहा हूँ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है जी। तो इसमें रही बात नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, तो हाँ, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मार्गदर्शन देने का, एक साइंटिफिक ढंग से ऑर्गेनाइजेशन को विस्तार देने का, गुणवत्ता देने का काम किया है जी। और ये एक ही है, जैसे अटल जी और भाजपा एक थे, ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी और भाजपा एक ही है। विचारधारा, कार्य पद्धति, संगठन निष्ठा और कार्य की कुशलता, समय के साथ चलने में, सुशासन देने में एक ही है। नहीं नहीं रजनी जी, आप थोड़ा भावुक मत होइए, थोड़ा तथ्य पर रहिए। ये विनम्र अनुरोध के साथ कहना ये चाहता हूँ कि अभी जब प्रचार हुआ ना गुजरात में, जब प्रचार हुआ हिमाचल में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद भी उद्घोषणा किया, आप किसी को मत देखिए, मुझे देखिए और मुझे देखकर वोट दीजिए। जयराम ठाकुर मायने नहीं रखते, जो हिमाचल के 4 साल से मुख्यमंत्री थे, 4.5 साल से। भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उनके संदर्भ में मुझे देखिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो वातावरण बना, वो जनता उस अनुसार वोट भी देती है। भाई, लोगों को नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना पसंद है, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इतना पसंद है, लेकिन इसके चलते जो क्षेत्र के नेता हैं उन सबको जो खारिज किया जा रहा है, इसके संदर्भ में कोई दृष्टि आपकी है, इसको लेकर सवाल है, क्योंकि सीधे कहा जा रहा है किसी को मत देखिए, इधर देखिए। मैं कह रहा हूं ना, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूं, कहीं कोई नहीं नकार रहा, ये अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता के नाते ऑन करना और स्वयं जिम्मेदारी लेना कि मुझे देखिए, तो ये उस नेतृत्व की धाक और साख है जी। किसी को कम करना नहीं है, और लगातार लोकप्रियता उठाना और पार्टी को लाभ पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कुशलता है, लोकप्रियता है। हमारा नेतृत्व तो है ना ऐसा, अपने आप को डिसोन तो नहीं करता, चुनाव से वापस तो नहीं खींचता, जैसा आप राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, और राहुल गांधी और गांधी परिवार का किस्सा खैर मैं उस बहस में नहीं जाता, आपने प्रश्न तो उत्तर किया है, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कम नहीं किया। यहां तक कि अटल जी, आडवाणी जी, तब भी कई लोग आरोप लगाते थे, भैया ये तो अटल अडवाणी जी की पार्टी है, इसके बाद में इस पार्टी का कुछ नहीं है। कोई बात अभी भी कहते हैं कि मोदी जी के बाद में कुछ नहीं, केवल मोदी जी। ये आरोप लगाने वालों को अपने अपने ढंग से आरोप लगाने दीजिए, लेकिन कुल मिलाकर तो काम आप भी करते, सियासत में ऐसे ही होता है ना, आप भी बोलते थे कि गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष हो ही नहीं सकता, अब हम सामने देख रहे हैं खड़गे जी अध्यक्ष हो गए, देखिए अब सामने हो गया ना, तो ऐसा तो चलता ही रहता है रही, इसमें दिल से लेने की बात थोड़ी है। बहरहाल, मैं अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूँ और जानना ये चाहता हूँ ये नए अध्यक्ष की कैसी सलामी होने जा रही है। भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे इतने प्रयासों के बाद पार्टी के नए अध्यक्ष बने, सब तरह से साफ करा दे रहे हैं, दिल्ली साफ, गुजरात साफ, हिमाचल साफ, क्या कहते हैं अजय जी, क्या करेंगे अध्यक्ष जी? और डॉक्टर साहब, पहले तो 8 तारीख के बाद ही इस पर हम बात करेंगे कि साफ कौन हो रहा है, लेकिन 8 के बाद ही करेंगे, 8 को भी करेंगे। हाँ, मैंने वही ये वाला प्रश्न का उत्तर मैं 8 तारीख को 8 आपको जरूर दे सकता हूँ, मैं जो आपने प्रश्न किया है, लेकिन खड़गे साहब की बात है, एक सामान्य परिवार, हालांकि ये कहना उचित नहीं है, ठीक है, ये भी सच है कि दलित परिवार से है, बट उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो क्षमता है और जिस तरह चुनाव की प्रक्रिया से वो जीत कर आए, तो उनकी अपनी एक भूमिका है, इस चुनाव में भी उनकी भूमिका है, और चुनाव में हार, चुनाव में भूमिका में वो भूमिका संदेह के और सवाल के घेरे में है। एक सवाल और रह गया, समय सीमित है, फिर भी सवाल कर लेता हूं। 2007 में भाजपा जीती, कांग्रेस हारी, सोनिया गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया गया, उन्होंने बयान दे दिया था मौतों का सौदागर, भाजपा बताती है इसकी प्रतिक्रिया जनता ने दी। फिर 2013-14 के संदर्भ में आया, मणिशंकर अय्यर चाय वाला बना दिए, उसके चक्कर में मामला हो गया। 2017 का आया तो नीच करके बात हो गई, वो विषय हो गया। इस बार खड़गे जी निशाने पर हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री, गुजरात के गौरव पुरुष, हम सबके बेहद सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को रावण के साथ खड़ा कर दिया और प्रचंड बहुमत आता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल के अनुसार।
क्या खड़गे जी की तुलना का जवाब है गुजरात की जनता के द्वारा इस रूप में, इस रुझान को देखा जाएगा? और अगर देखा जाएगा तो भविष्य के लिए क्या सोचा जाएगा? डॉक्टर साहब, खड़गे जी ने जो शब्द कहे थे और जो बात कही थी और जो संदर्भ था जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है भाजपा के साथियों को कैसे समझ नहीं आती, इतनी नासमझ तो नहीं है वो। उन्होंने तो क्लियर कहा कि हर चुनाव, छोटे छोटे चुनाव में भी एमसीडी में भी उनको ले जाएंगे। मतलब वो कोई अच्छे व्यक्ति हैं, वो कोई रावण थोड़े हैं। ये तो अच्छा बात उनके लिए, पॉजिटिव था कि अच्छे व्यक्ति हैं वो। और रियल में प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ रजनीश जी के नहीं है। तो हम प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का हम ख्याल रखते हैं, हम उनको ऐसा शब्द नहीं बोल सकते। एक उदाहरण का कॉन्टेक्स्ट था, एक संदर्भ था। अरे अजय उपाध्याय जी, मुद्दे की बात करिए। भाजपा ने विषय बनाया ना इसे, भाजपा ने इसको सवाल लेकर जनता के बीच ले गई। भारतीय जनता पार्टी ने इसे गुजरात के अपमान के तौर पर जताने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने इसे गुजरात अस्मिता का प्रश्न बनाने की कोशिश की। अब जो जनादेश आएगा, क्या उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी के बयान को आप जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि आपने तो इतनी मेहनत की है, इतना पसीना बहाया, आप खुद 1.5 महीना लगाकर आए हैं। आप देख रहे हैं कि पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है। पार्टी कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए व्याकुल बैठी थी, फिर भी एग्जिट पोल बता रहा है कि पार्टी सत्ता में नहीं आ रही, तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? तो क्या अपने अध्यक्ष के बयान को जिम्मेदार ठहराएंगे? ये सवाल है। उस बयान को विक्टिम कार्ड की तरह मोदी जी जरूर खेल सकते हैं, भाजपा के लोग खेल सकते हैं। कभी भी गुजरात के स्वाभिमान पर, गुजरातियों के स्वाभिमान पर या प्रधानमंत्री के पद की गरिमा पर हम लोगों ने कोई प्रश्न नहीं हमारे अध्यक्ष जी। रजनी जी से पूछ लेते हैं। रजनी जी, 99 से 134 में खड़गे जी की मेहनत का भी कोई योगदान या केवल और केवल भाजपा और नरेंद्र मोदी जी का ही मेहनत का योगदान? नहीं, ये मानसिकता तो कांग्रेस की उजागर हुई है। खड़गे जी हो चाहे मिस्त्री जी हो, मिस्त्री जी ने औकात वाला विषय और खड़गे जी ने जो रावण वाला विषय छिड़ा है, इससे मानसिकता कांग्रेस की उजागर हुई है। किस प्रकार की सोच इनकी अपने प्रतिपक्षी पार्टी के बारे में है, तो ये निश्चित तौर पर जनता ने इसका भी जवाब दिया होगा। जनता इसका जवाब दिया होगा। तो मैं आखिरी टिप्पणी के लिए वापस श्रवण जी के पास। श्रवण जी, क्या आप नहीं मानते हैं कि कांग्रेस को मैच खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैच में गोल सामने वाले के गोल पोस्ट पर नहीं, अपने ही गोल पोस्ट पर करने में ज्यादा मजा आता है? इन बयानों के संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी टिप्पणी इस कार्यक्रम की। नहीं, ये इस तरह का बयान करना बहुत ही, जिसको ओवर एक्साइटमेंट कह सकते हैं, तो आप पाएंगे कि जो जिस तरह की टिप्पणी गलत समय खड़के जी ने की है जी, वो अब वो एक गैर हिंदी भाषी होने का फायदा, वो जैसे कि गडकरी जी इस तरह की टिप्पणियां कर देते हैं और वो मराठी भाषी होने का बेनिफिट उनको मिल जाता है, तो वो इस तरह का बेनिफिट इनको, खड़के जी को नहीं मिल सकता था, क्योंकि मोदी जी के बारे में टिप्पणी की थी उन्होंने, राजनाथ सिंह के बारे में नहीं की थी या किसी और नेता के बारे में नहीं की थी। मोदी जी चीजों को पकड़ते हैं और वो इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कोई गलती हो। जैसे राहुल गांधी ने अभी 2000 किलोमीटर 2200-2300 किलोमीटर की यात्रा में कोई गलती नहीं की इस तरह की बड़ी कि रजनीश जी की पार्टी उसको पकड़ सके, पर खड़के जी ने एक गलती की और वो पकड़ के चुनाव का मुद्दा हो गया। मैं आखिरी टिप्पणी हिमांशु जी एक ये करना चाहता हूँ जी, कि ये इन चुनाव से देश में एक नई पॉलिटिक्स के, एक नई पॉलिटिकल पोलराइजेशन का जी उदय में देख रहा हूं जी। वो उदय ये है, जैसे हम लोग मीडिया में देखते हैं कि हम दूसरा अखबार खरीद लेते हैं पर उसका नाम नहीं बदलते हैं जी। मेरे खुद के कई उदाहरण हैं जी, जहां मैं काम करता था, तो लोग ये गलत, स्वामित्व बदल गया पर टाइटल नहीं बदला। हाँ, टाइटल नहीं बदला, तो लोग प्रिंट लाइन में तो जाते नहीं थे, और प्रिंट लाइन में भी पुरानी कंपनी कायम रहती थी जी, तो वो और मालिक को उसमें संपादक बना देते थे। तो ऐसे कई मेरे खुद के जीवन के उदाहरण हैं। ये जो एक नई पॉलिटिक्स है जो मोदी जी ने चलाई है, कि अब इन्होंने ये तो कांग्रेस से पलायन तो बंद हो गया कि कांग्रेस से लोग बीजेपी में ज्वाइन करें, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज की कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। तो उसमें जैसा मैंने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, ओवैसी की पार्टी का जिक्र किया, ये एक जो सिस्टम चला है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार कर रहे हैं इसको। मतलब वो अपने लिए रजनीश जी जैसे समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने पूरा जीवन दरी उठाने में दे दिया, या
चीजों को करने में दे दिया, वो लोग इसको आपत्तिजनक नहीं मानते कि ये बाहर से जो आयातित कंपनियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर रही हैं। तो ये तो खैर एक अलग की बात है, क्योंकि रजनीश जी कह रहे हैं कि जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है जी। पर जो आपका मूल सवाल है कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल वाला जो है जी, वो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, और वो मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी मोदी जी को आखिरी समय में, मतलब वो जो रावण का जो चुनाव चिन्ह है वो मोरबी के पुल पर भारी पड़ गया, मतलब ये है कुल मिलाकर मर्म की बात यही आ गई। तो श्रवण जी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि भाजपा को जिताने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता जितने व्याकुल रहते हैं उतनी ही व्याकुलता कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के स्तर पर भी दिखने को मिलती है, और शायद इसीलिए चुनाव में इतनी बड़ी सफलता भाजपा के हिस्से में आ जाती है। कुल मिलाकर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए संभावना नहीं, भाजपा के लिए बेहतर संभावना है, और आम आदमी पार्टी भविष्य के लिए संभावना, कुल मिलाकर रुझान इतना है। हिमाचल के संदर्भ में एक दो एग्जिट पोल लेकिन कांग्रेस को लेकर भी संभावना जता रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा गंभीर नाम आज तक और एक्सिस का है। एक्सिस एक गंभीर किस्म की एजेंसी है, वो अपने आकलन में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनवा रही है। अजय उपाध्याय जी अगर चाहें तो एक्सिस और आज तक के साथ बने रह सकते हैं, कम से कम 8 तारीख तक तो चांसेस हो सकते हैं। बहरहाल आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और खासतौर पर श्रवण जी का धन्यवाद कि जो इस समय अमेरिका में हैं लेकिन इसके बावजूद भी इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने समय निकाला, विशेष तौर पर निकाला, क्योंकि वहाँ पर इस समय रात के 3-4 बज रहे हैं लेकिन वो हमारे साथ में। बहुत तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। 8 तारीख को फिर मुलाकात करेंगे जब वास्तविक नतीजे हमारे साथ में होंगे, लेकिन अब मुझे दीजिए याद, खबरों का सिलसिला बना रहेगा, कहीं जाइएगा ना, लेकिन मुझे जरूर याद दीजिए। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। कालड़ा बन प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, अत्याधुनिक लेजर मशीन से पाए गोरापन, मनचाहा फेस प्रोफाइल, फेस लिफ्ट, गालों में डिम्पल। कालड़ा बन प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, पचपेड़ी नागा और राजकुमार कॉलेज के सामने, रायपुर। सभी प्रकार के कैंसर का सुरक्षित व विश्वसनीय इलाज अब एक ही छत के नीचे, बालको मेडिकल सेंटर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। कैंसर मुक्त समाज बनाने की ओर कार्यरत। अरे यार मिश्रा जी, आपसे कितनी बार कहा है, अरे सरिया का हम क्या बताएंगे, अब सरिया तो सरिया है, लगा दीजिए जो सा लगाना है। हाँ हाँ लगा दीजिए, फोन मत करिएगा, बार बार फोन करके परेशान करते हैं। ओए सुन, सरिया मतलब कोई भी